आपका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए। उसमें मैंने बताया है कि अगर आपको किसी की तारीफ करना है तो वो आप कैसे करेंगे, और इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको किसी को बोलना है कि तुम किसी काम के नहीं हो तो उसके लिए आप इंग्लिश में क्या यूज करेंगे। तो उसका यूज मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां मैंने पहले वीडियो की लिंक दी है, वहां से आप पहला वीडियो देख सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं कि अगर आपको किसी की तारीफ करना है या बोलना है तुम तो तारीफ के काबिल हो तो उस कंडीशन में आप किस फ्रेज का यूज करेंगे, किस इंग्लिश सेंटेंस का यूज करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको बोलना है कि तुम तो किसी काम के नहीं हो तो उस कंडीशन में आप क्या यूज करेंगे। तो गाइस, उसके लिए अगर आपका सेंटेंस है, अगर आप किसी दोस्त को, किसी आपके भाई को या रिलेटिव्स को मजाक में क्या बोलते हैं, अरे यार तुम तो किसी काम के नहीं हो, किसी ने अगर आपका काम बिगाड़ दिया तो उस कंडीशन में आप क्या बोलते हैं, अरे यार तुम तो किसी काम के नहीं हो, क्या है, उस कंडीशन में आप क्या यूज करेंगे। तो उसके लिए एक मीनिंग होती है, उसे बोलते हैं यूजलेस, यूजलेस, यूजलेस। तो अब इसका सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे, जैसे तुम तो किसी काम के नहीं हो यार, तो अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, यू आर यूजलेस, यू आर यूजलेस, आप किसी काम के नहीं। आपको ये वीडियो कैसा लगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो गाइस शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आपके लिए और ऐसे ही कमाल कमाल की वीडियो लाता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल डियर्स।